टाटा पावर द्वारा शनिवार को विद्युत उपभोक्ताओं और आम नागरिकों की विद्युत संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए हाथीभाटा पावर हाउस जयपुर रोड अजमेर में जनसुनवाई की। टाटा पावर के एडवाइजर सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान कुल 2 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 1 शिकायत डिस्कॉम से और 1 शिकायत टाटा पावर से संबंधित थी। प्राप्त शिकायतों में डिस्कॉम क्षेत्र की बिल संबंधी, नए कनेक्शन संबंधी, कृषि कनेक्शन संबंधी, ऑडिट संबंधी, लोड बढ़ाने संबंधी, मीटर संबंधी समस्या सहित अन्य समस्याएं थी। अभी तक आज की जनसुनवाई में 2 शिकायतें आई है। आज की जन सुनवाई में 2 शिकायतें आई है, जिसमें एक में उनका मीटर के बिल के ऑडिट चार्जेस थे। तो एक्चुअली उस मीटर में बिजली बोर्ड से जो मीटर लगा था उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं थी। बाद में अकाउंटिंग होने पे उसकी रीडिंग उनको समझाई और वो सारी बात को समझ के बिल जमा कराने को राजी होके गए हैं यहाँ से। और दूसरे केस में उपभोक्ता काफ़ी समय तक बाहर रहे और जब वो बाहर रहे तो उस वक्त उसका मीटर बंद होने की वजह से उनका एवरेज चार्जेस लगा था। तो उन्होंने कुछ अपने हेडमास्टर से लिखवा के दिया है बाहर जहाँ रहते थे कि ये वहीं रहते थे। तो हम उसकी मौके की जांच करवा के आसपास से पूछताछ करके और उनको हमने ये सलाह दी है कि वो सेटलमेंट में आ जाएँ, जहाँ पर बड़ी सहानुभूतिपूर्वक सारी चीज़ें देखी जाती है, उस सुनवाई के साथ उनका निपटारा किया जाए। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।